किसी भी विकलांग साथी का बीपीएल राशन कार्ड नहीं है जी, विकलांग से गरीब कोई नहीं है जी। हर मंत्री जब हमारा विकलांग दिवस आता है उसने बड़े बड़े बयान और बड़े बड़े हमारे लिए अपने प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर उनको देखते हैं तो कहीं पर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तब देखे अंदर अंदर का समाधान नहीं हुआ तो हम दोबारा से आंदोलन को तेज करें। विकलांग अधिकार मंच के बैनर तले एक धरना प्रदर्शन किया, जो कि ओबीसी बैंक ने हमारी तब पेंशन है जो वो 3 महीने के माह की रोक रखी है उसके लिए, और जो मेडिकल बनवाने के लिए हमारे साथी हैं विकलांग उनको पहले ऑनलाइन करवाना पड़ता है और उसके बाद में हम लोगों को ऑनलाइन के बाद फिर से कैथ लाना पड़ता है, चाहे वो किसी गांव से है, उसके बाद में हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं और मेडिकल फिर भी नहीं बने जाते। इसके तरीके पर हम लोगों ने स्नान मांगे हैं, जो हमारी डीसी महोदया से हमने एक ज्ञापन दिया है और हम लामबंद होकर के आज इकट्ठे हुए, जो कि हमारी मांगों को डीसी महोदया ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम इसका समाधान करेंगे। नीचे हमारे पास जो हमारे ज्ञापन लेने के लिए जो कैथल के तहसीलदार मैडम जी है वो आई थी, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया था कि हम इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो हमारे प्रतिनिधिमंडल के 6 सदस्य को ऊपर डीसी ऑफिस में बुलाया गया था, जो अभी हमारे को बता रहे हैं कि हमारे ये जो बात हुई है उनसे, उनके हमने अब सुन रहे हैं हमारे जो ये इसके राजली जी है जो हमारे महासचिव है हरियाणा के, वो बात कर रहे थे, उसी आधार से हम कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर का समाधान नहीं हुआ तो हम दोबारा से आंदोलन को तेज करेंगे। तो हमारे जो ये ओबीसी बैंक है इसकी 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही है, वो पेंशन दी जाए, जो विकलांग साथी पे गुजारा करते हैं। नंबर दो जी हमारी मांग है, जो हमारा मेडिकल बनता है वो मेडिकल में हमें चक्कर लगाए जाते हैं भाई ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन करवाने के लिए जो हमारे पास पैसे नहीं होते 20-30 रुपए वो लेते हैं और जब निकलवाने जाते हैं तब आते हैं। जैसे 100% मेडिकल है जी, उसको मेडिकल बनवाने में 1000 रुपये खर्चा करना पड़ जाता है जी। और दूसरी तीसरी मांगे हमारी ये थी जी, जो हमारे विकलांग साथी हैं जैसे बस स्टैंड पे जाएं, किसी भी इसमें सरकारी संस्था में जाएं, जो जैसे स्कूटी ले रहे हैं जी उनसे 10 रुपये की पर्ची काट दी जाती है जी, लेकिन विकलांगों के नहीं होनी चाहिए जी। और बाकी ये है जी, जैसे हमारे विकलांग साथी हैं जो स्कूल में पढ़ना चाहते हैं जी, उनके बच्चे हैं जैसे विकलांग, जैसे मैं खुद हूँ जी, मेरे पास 3 लड़की हैं और मेरा बीपीएल राशन कार्ड नहीं है जी, किसी भी विकलांग साथी का बीपीएल राशन कार्ड नहीं है जी, विकलांग से गरीब कोई नहीं है जी, लेकिन प्रशासन इस पर कोई गौर नहीं कर रहा जी। पीछे लॉकडाउन लगा था जी, लॉकडाउन में इन्होंने नंबर डाला भाई, जिस विकलांग साथी को राशन की ज़रूरत है वो इस नंबर पर डायल करें। मेरा एक साथी कुलविंदर है सीवन से, वो उसके पास गया, उसने फ़ोन किया जी और उसको राशन नहीं दिया, उसने बोला प्रधान जी मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं भूखा मर रहा हूँ। तो मैंने अपने टीम से पैसे इकट्ठे किए जी, पैसे इकट्ठे करके मैंने 80+ राशन घर घर जाकर दिया जी। बस इससे आगे तो मांगे जी मैं क्या बोलूँगा जी, इससे ज़्यादा हमारे विकलांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। हमारी बयान तो हर मंत्री जब हमारा विकलांग दिवस आता है उस दिन बड़े बड़े बयान और बड़े बड़े हमारे लिए प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर उनको देखते हैं तो कहीं पर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने ये भी कहा था कि 40% से ऊपर के विकलांगों का बस पास होगा, आज तक नहीं हुआ है। सरकार ने ये भी कहा कि 3.5 लाख रुपए विकलांगों को बिना लोन दिया जाएगा, वो आज तक भी नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा कि हमें आपकी UDID 2018 तक सभी विकलांगों की बना दी जाएगी, अभी मात्र हरियाणा में करीबन 15 लाख विकलांग है, उसमें से सिर्फ 45,000 UDID विकलांगों की बनाई है, तो ये संवेदनशील देख लीजिए। सरकार ने ये भी कहा कि विकलांगों को हम इलेक्ट्रिक रिक्शा देंगे, आज हालात ये हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा तो मिलनी बहुत दूर की बात है, आज इनको ठीक ठाक व्हील चेयर भी वहाँ से रेड क्रॉस से नहीं मिल रही है, बल्कि सरकार ने उसके ऊपर भी GST लगा दी है। पहले ये टैक्स फ्री होती थी, अब इनके ऊपर अब 5% से लेके 12% के बीच का मतलब GST इसके ऊपर लगा दिया है। देखिए प्रशासन ने हमारे को जिस तरीके से गंभीरता के साथ हमारी बात को सुना है, हमें एक उम्मीद लग भी रही है कि हमारी इन समस्याओं को गंभीरता के साथ प्रशासन लेगा। यदि प्रशासन नहीं लेता है तो हम 3 दिसंबर को हल्ला बोल प्रदर्शन DC कार्यालय पर करेंगे।